इस वर्ड में क्या डिफिकल्टी लग रहा है आपको? इसमें एन और एफ आएगा सर। हाँ, इसमें एन के साथ एफ को ज्वाइन करेंगे, फिर आगे ई आएगा और देखो ई, इसका खाली ई आएगा इसमें और कुछ आएगा? का भी वॉवेल आएगा ना। नहीं। ये पता लग रहा है कैसे वॉवेल्स लगाए मैंने? ये नहीं पता चला जो बोला ना आपने सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। सेकंड प्लेस लाइट डैश, क्या चीज का साउंड देता है जब हम, आ नहीं आ नहीं देता है वो, फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट देता है आ, अच्छा। ये अ का साउंड है। देखो जैसे वर्ड है कट, इसको कैसे लिखेंगे हम, कौन सा वॉवेल आएगा इसमें? देखो के और टी मैंने और जोड़ दिया, सेकंड प्लेस आएगा लाइट, लाइट डैश। बहुत सही। क्यों आएगा लाइट डैश? क्योंकि अ का साउंड आ रहा है, मच से मिलता है साउंड। अगर वो जो हिंट सेंटेंस है ना उससे अगर स्कैन करके मैच करोगे, दैट पेन जी इज नॉट मच, जी सर। ठीक है ना। मच मच में जो अ का साउंड आ रहा है सेम साउंड कट में आ रहा हाँ जी सर। है ना, और वही सेम साउंड इनफ में, नफ में आ रहा है। देखो ई हमने बना दिया, जी मैंने कहा ना जब हम ये मल्टीपल वॉवेल्स जब होते हैं तो आप सेक्शंस में ब्रेक डाउन करो। जी सर, मुझे समझ। इन आपने बना दिया, अब आपको क्या बनाना है? नफ। एफ कैसे बनेगा? जब एन के सेकंड प्लेस पर आप लाइट डैश बनाओगे, जैसे कट में आपने अभी किया, जी ठीक। अब क्लियर है 100%? ये जी सर। बहुत सही। और किसी वर्ड में डाउट? मैंने एक्सरसाइज 10 तक किया मुझे। अच्छा वो जो सर यहाँ पे वर्ड्स जो है ना, ये इबोनी, इटली, ये भी मैंने किए थे प्रैक्टिस। अच्छा, ये भी अटेम्प्ट किया आपने, तो जी ये सर बने आपसे, ये वाले वर्ड्स बने, इनमें मल्टीपल वॉवेल्स हैं, जी सर, ये बने में ये बने आपसे, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैं और सेट ऑफ वर्ड्स भेजूंगा, वो भी आप बनाना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जी भेजूंगा और वर्ड्स। फिलहाल के लिए अच्छा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम है जो थर्ड प्लेस का वॉवेल होता है वो शिफ्ट हो जाता है जी सर, वो दूसरी मुझे साइड, पता है वो। प्रीसीडिंग साइड। जी सर कल ही शायद बताया था मैंने आपको, है हाँ ना, कि वर्ड अगर जी सर ली होता तो एल के थर्ड प्लेस पे, जी लेकिन अगर प्लेज वर्ड लीड बन जाएगा तो एल का थर्ड प्लेस डी पर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? जी सर। चलो फिर, आपको अगला टॉपिक बताता हूँ। मैं आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिसमें ये सारे वॉवेल्स आएंगे, मल्टीपल वॉवेल्स भी आएंगे, थर्ड प्लेस के वॉवेल्स भी आएंगे। जी सर वो आप एज अ होमवर्क रख लेना। फिलहाल के लिए आपको मैं आर का जो स्ट्रोक होता है, अपवर्ड आर कब यूज करते हैं, डाउनवर्ड आर कब यूज करते हैं, उसके बारे में कुछ बताता हूं मैं, ठीक है। जी रूल्स जी होते सर हैं, आप जानते हैं आर के दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, एक होता है अपवर्ड आर, दूसरा होता है डाउनवर्ड आर। डाउनलोड डाउनलोड अब हमें कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड आर कब यूज करना और डाउनवर्ड आर कब यूज करना है? देखो जी यहां पे रूल नंबर वन ये है, जब भी आर से वॉवल प्रिसीडिंग होगा,
प्रिसीडिंग का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वॉवल पड़ जाए, जी सर। हाँ, तब आप डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करोगे। जी देखो जैसे वर्ड है एयर, वॉवल प्रिसीडिंग में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया पहले वॉवल, उसके बाद मैंने डाउनवर्ड आर यूज किया। ऐसे ही वर्ड होता एरो, एरो, ठीक है ना। पहला वॉवल प्रिसीडिंग में आ रहा है, जी इसलिए डाउनवर्ड आर। अब दूसरा रूल ये है कि जब भी आर के बाद वॉवल आता है, अगर प्रिसीडिंग में कोई वॉवल ना हो, ठीक है ना, पहला ही वॉवल आर के बाद पड़ रहा है, अगर सक्सीडिंग में आ रहा है, तब हम अपवर्ड द आर लिखेंगे। जैसे वर्ड है रोड, रोड कैसे बनाएंगे, और डी, डी ठीक, जी सर। यहां पे अपवर्ड आर हमने इस्तेमाल कर लिया। तो अगर वॉवल प्रिसीडिंग है डाउनवर्ड आर, अगर वॉवल सक्सीडिंग है आर के तब अपवर्ड आर। देखो सपोज करो एक वर्ड है आपके पास जियर, इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, जे का स्ट्रोक डार्क रखना है आपने, डाउनवर्ड है ना, क्योंकि आर के पहले पहले ही वॉवेल साउंड आ रहा है, आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है। लेकिन वर्ड है जेरी, जेरी में आर के बाद ई का वॉवेल आ रहा है, जी सर। तो इसकी आउटलाइन बनेगी जे अपवर्ड आर, जे री, है ना, जे के सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट और आर के बाद थर्ड प्लेस पे हैवी डॉट, जेरी। ऐसे ही एग्जांपल ले लो, वर्ड है डियर, डी डी इसमें डाउनवर्ड आ हाँ, और अगर वर्ड होता डेरी है, डी अपवर्ड आ रहा है। तब अपवर्ड आर। ठीक, इतना क्लियर है अच्छे से। जी सर। अब तीसरा एक और रूल है आर के लिए, ठीक है, एक और रूल है आर के लिए, वो ये है कि जब भी आर के बाद एम का स्ट्रोक फॉलो करेगा तो आप हमेशा डाउनवर्ड आर बनाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ की वॉवल प्ले प्रिसीडिंग में है या सक्सीडिंग में है। ठीक है, आर के बाद जब भी वॉवल प्रिसीडिंग में है, देखो आएगा एक वर्ड है आर्मी आर्मी और दूसरा वर्ड है रोम। आर्मी में क्या हो रहा है, आर से पहले प्रिसीडिंग में वॉवल आ रहा है, चलो यहां पर हम मान लेते हैं प्रिसीडिंग में वॉवल आ रहा है तो हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक और वजह है कि आर के बाद एम आ रहा है इसलिए भी हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे, करेंगे आर्मी। ठीक, अब दूसरा वर्ड है रोम, रोम में प्रिसीडिंग में कोई वॉवल नहीं आ रहा है ना, प्रिसीडिंग में कोई वॉवल नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम रोम कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे अपवर्ड आर और एम, हम ऐसे कभी भी नहीं बनाएंगे, उसकी एक वजह है। ठीक है, उसकी एक वजह है, इसकी ये वजह है कि आप खुद भी लिखो कॉपी पे अपवर्ड आर कंबाइंड विद एम, जब आप ये बनाएंगे आप थोड़ा बहुत डिफिकल्टी महसूस करेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा पेंसिल का फ्लो ब्रेक होता है, ये उतनी जी कंफर्टेबल सर। राइटिंग नहीं है, ठीक है ना, ये उतनी कंफर्टेबल राइटिंग नहीं है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यही है कि एम के स्ट्रोक के साथ हमेशा डाउनवर्ड आर ही
सूट करता है, कंफर्टेबल राइटिंग रहती है, इसलिए ऑलवेज जब भी आर के बाद एम फॉलो करता है। तो डाउनवर्ड आ रहा है, हाँ डाउनवर्ड। ठीक है ना, वॉवल प्रिसीडिंग में हो या सक्सीडिंग में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डाउनवर्ड आर आप इस्तेमाल करेंगे एम के साथ। जी सर, ठीक है, ये कुछ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होती हैं। देखो फेवरेबल कॉम्बिनेशन से मेरे क्या कहने का मतलब है, जैसे आर के साथ आपको एन ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल, तो हमेशा अपवर्ड आर सूट करता है एन के साथ। एम के साथ हमने देखा डाउनवर्ड डाउनवर्ड आर आर। सूट करता है, लेकिन एन के साथ हमेशा अपवर्ड आर सूट करता है। अगर आप एन के साथ डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे पेंसिल का फ्लो ब्रेक हो रहा है, जी सर, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप अपवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे तो पेंसिल बहुत आसानी से चलेगा, आपका राइटिंग में फ्लो आएगा और स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जी फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इन्हीं फेवरेबल कॉम्बिनेशंस के लिए हम कभी कभार रूल्स के साथ भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, लीनियंसी बरत लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या पहला रूल देखा कि आर से प्रिसीडिंग वॉवल हो तो ऑलवेज डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड अगर आर के बाद वॉवल हो तब अपवर्ड आर। ठीक, लेकिन जब हम आर को ज्वाइन कर रहे थे एम के साथ तब हमने रूल्स साइडलाइन कर दिए, है ना, जी सर, तब हमने रूल्स साइडलाइन कर दिए। दैट मींस कि स्टेनोग्राफी में हम रूल्स को भी दरकिनार करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज करो वर्ड है अर्ज, अर्ज में अगेन अ का वॉवेल आ रहा है, जी सर, लेकिन आप देखो बनाओ, अगर आप डाउनवर्ड आर के साथ जे बनाओगे तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर आप अपवर्ड आर्क के साथ जे ज्वाइन करोगे तो इसकी राइटिंग ज्यादा इजी लगेगी आपको। तो यहां पर हमने रूल्स के साथ लीनियंसी बरत ली अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, जी सर। तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 14 के वर्ड्स आप अटेम्प्ट करो। 14 हाँ, एक्सरसाइज 14। जी सर, वर्ड्स बनाकर भेज देना मेरे को। ओके सर।